Good morning, students. Today we are going to start chapter 3 of your civics books, and that is dealing with how the state government works. In this chapter, we will be understanding the working of the state government, and we will understand the role of the member of the legislative assembly, that is MLAs, and we will be doing this taking an example which is given in your book about Paitalpuram. उस पर्टिकुलर एरियाज की जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे एड्रेस किया जा रहा है, इसके अंदर कैसे उस पर वर्क किया जा रहा है, इसी के थ्रू हम जो स्टेट गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू कैन रिकॉल इन योर लास्ट क्लास, यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट. आपने लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट जो है अपनी लास्ट क्लास के अंदर पढ़े थे, एंड आई ट्रस्ट आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो जो है थ्री लेवल्स पे काम करती है इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, दैट इज लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल. और अगर हम इस चीज को अगर रिकॉल करें तो आप समझेंगे, आई शुड रीड इट आउट, दैट द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स, एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ द स्टेट एंड एट द नेशनल लेवल. द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, एंड द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट, लाइक से पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द एंटायर कंट्री, राइट. आई ट्रस्ट कि आपको उनकी वर्किंग्स, उनके बारे में काफी कुछ हमने जो पढ़ा था सिक्स क्लास में वो आपको याद होगा. तो अभी इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे पूरा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी क्या वर्किंग रहती है और उसके जो मेंबर्स हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं और क्या क्या रोल प्ले करते हैं, कितना वो आंसरेबल होते हैं. ऑल दिस वी विल बी लाइक कवरिंग इन दिस चैप्टर. अगेन आई विल बी टेकिंग द कम्प्लीट चैप्टर इन टू सेशंस, एंड इन दिस टूडे सेशन वट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एंड रीड एज वेल हाफ ऑफ द चैप्टर, एंड रिलेटेड क्वेश्चन आई विल बी गिविंग यू लेटर. टूडे द होमवर्क इज जस्ट टू डू द ग्रोसरी of this chapter. So let's begin with the chapter, which starts with a question, which is whose responsibility, किसकी जिम्मेदारी, किसके बारे में बात की जाती है. देखते हैं हम, ये जो आपको एक स्टोरी दे रखी है, दिस इज अबाउट टू गर्ल्स हु आर गोइंग थ्रू द न्यूज पेपर, एंड द न्यूज पेपर इज फिल्ड विद द प्रॉब्लम विच द सिटी, दैट पर्टिकुलर एरिया पैतालपुरम इज फेसिंग, दैट इज द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू वॉटर. And they were discussing various things. They were discussing how the city is being overflooded. The hospitals in the city are being overflooded by the people who are suffering from waterborne disease, जिनको डायरिया हुआ हुआ है. वो ये भी पढ़ रही हैं कि कैसे उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर या उनके एरिया के अंदर वाटर की जो है, पूरी स्टेट के अंदर rather, उनकी वाटर जो शॉर्टेज है, और जहां पर पानी आ रहा है वहां पर पानी प्रॉपर नहीं है, और टैंक्स जो है लोगों को अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिल रहा है, लोगों को बहुत दूर से पानी भर के लाना पड़ रहा है, और वो सारा अपना न्यूज़पेपर में ये सब डिस्कस कर रही थी. दे आर वेल अवेयर अबाउट ऑल द प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग इन देयर एरिया. इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बारे में भी न्यूज थी. फिर उन्होंने टेलीविजन की न्यूज को भी डिस्कस किया, जिसमें कि लिखा हुआ था कि जिसमें उनको पता लगा, दे कम टू नो दैट 10 पर्सन हैज डाइड बिकॉज ऑफ दिस ड्रेडफुल डिसीजेस. तो दूसरी फ्रेंड बोलती है कि आप गंदे पानी की वजह से कोई, मतलब ये बीमारी की वजह से कोई मर सकता है? येस, पीपल कैन डाई इफ देयर इज नॉट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल एट द मोमेंट वेन दे नीडेड दैट. तो हो सकता है. एंड वाइल दे वर गोइंग आउट दे वर डिस्कसिंग कि हाउ देयर पेरेंट्स हैड एजुकेटेड देम नॉट टू ईट और ड्रिंक एनीथिंग बिकॉज द सोर्स ऑफ दोज थिंग्स कैन बी अनफिल्टर्ड वाटर विच कैन लाइक हैव इल इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ. एंड वाइल दे वर गोइंग पुलिस लेडी ब्लॉक देयर रोड एंड इन्फॉर्म देम टू टेक अनदर रूट बिकॉज द MLA's हाउस वॉज देयर एंड पीपल वर डूइंग प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, हिज और हर हाउस. Why? Because they were trying answer from the MLA regarding the present situation, present health situation and water problem from the MLA. So they were like protesting in front of his or her home. And wo protest mein jo main leader bol raha tha wo kaun hota hai? He's the
leader from an opposition party. You need to understand here what is the ruling party and what is the opposition party. Ruling party जो power में होती है, जो उस time government में सारे काम कर रही होती है, और opposition party जो कि उनके against contest किया था लेकिन win नहीं करते, लेकिन वो भी part होते हैं, और वो actually क्या होता है, it is beneficial for the people. एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑन टाइम चेक करती रहती है, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं वो लोगों के सामने लेके आती रहती है, जिसकी वजह से जो रूलिंग पार्टी भी होती है वो अपने सारे काम अप टू डेट रखती है, बिकॉज द ऑपोजिशन पार्टी इज ऑलवेज कीपिंग अ चेक, बिकॉज नॉर्मल पीपल, लेमैन पीपल शायद उनको डे टू डे वर्किंग के बारे में शायद ना पता हो. आजकल के सिनेरियो में तो सब लोगों को पता होता है, लेकिन मे बी ना पता हो. तो वट ऑपोजिशन डू, बिकॉज ऑपोजिशन ऑल्सो सीक फॉर दैट पर्टिकुलर पावर विच द रूलिंग पार्टी इज हैविंग राइट नाउ. So, वो क्या करते हैं कि एक दूसरे की जितनी भी खामियां होती हैं, एक दूसरे का जितनी भी ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको तो बहुत ही प्रोमिनेंटली वो पब्लिकली जो है लोगों के सामने लेके आते हैं. तो ऐसा एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर पतालपुरम की जो पब्लिक है, वो भी क्योंकि इस टाइम एजिटेटेड है, उसको भी ये सब सफर करना पड़ रहा है. तो दे आर सपोर्टिंग देम एंड दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एमएलए. मतलब ये प्रोटेस्ट क्या कर रहे हैं कि जी हाँ, हम आपकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है और आपको हमें इस बात का जवाब देना पड़ेगा. सो नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन, हु इज एन एमएलए. लुक, वाइल रीडिंग द चैप्टर व्हाट आई विल सजेस्ट कि आप एक रफ नोटबुक रखिए, ताकि आप ये क्वेश्चंस जो है नोट आउट कर सकें, या अपनी पेंसिल बुक में ही विद द हेल्प ऑफ अ पेंसिल जस्ट मार्क दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मार्क दिस, हु इज एन एमएलए. यू शुड नो द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, हु इज द एमएलए. इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल आर कॉल्ड एमएलएस. क्या होता है, आपका जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहां का, आप अपना एरिया से एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि ये इंसान हमारे लिए वर्क करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेगा. जो लोकल लेवल पे हम प्रॉब्लम डे टू डे फेस कर रहे हैं वो भी हमारे इस एरिया का पार्ट है, तो वो बहुत अच्छे से हमारी प्रॉब्लम्स को वहां जाके शेयर करेगा. तो एक पूरे आपके जो होते हैं ना, हर स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है अपनी, और वो बहुत डिफरेंट वार्ड्स में या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड होती है, और वहां से उसको उनके जो मेंबर्स है वो चूज करके जाते हैं, जो कि स्टेट लेजिस्लेटिव का जो है पार्ट करेंगे, उसमें कॉन्टेस्ट होगा, उसमें भी जीतेंगे, उसमें भी एक रूलिंग पार्टी आएगी. ये जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं, ये ज्यादातर जो होते हैं वन पॉलिटिकल पार्टी और अदर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं. तो आपको अंडरस्टैंड करना है यहाँ पर कि ये जो डिफरेंट एरियाज से मेंबर चूज किए जाते हैं, ये कैसे चूज करते हैं. आपकी बुक में ऑन पेज नंबर 32 देयर इज दे हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड द होल स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एरियाज, एंड हेयर दे आर शोइंग दैट इट इज डिवाइडेड इंटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेड हु देन बिकेम अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि एमएलए बन जाता है. ठीक है, डिफरेंट पार्टीज से होते हैं. मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर एरिया है, लेट से ए, उसका नाम ए है. अब उस एरिया के अंदर से कांग्रेस, बीजेपी और सीपीएम, वट एवर द पार्टीज आर अवेलेबल देयर, वो पार्टीज जो वहां पर ऑपरेट कर रही हैं, उन पार्टीज के जो हैं एक एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे, और फिर लोगों की वोट के द्वारा वो चुने जाएंगे, और जो भी जीतेगा वो ही विल बिकेम द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए बन जाएगा. आपको हम इसी लेसन के अंदर हम ये भी समझेंगे कि हाउ द सीएम्स आर इलेक्टेड, हाउ द मिनिस्टर्स आर रिलेटेड आर सिलेक्टेड. सो हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकेम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, जस्ट मार्क इट आउट. हाउ डू पीपल हु आर एमएलएस बिकेम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स, राइट. आगे इसका आंसर पढ़िए. पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलएज हैव वॉन मोर देन हाफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन अ स्टेट कैन बी सेड इन अ मेजोरिटी. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल द अदर मेंबर्स आर कॉल्ड अपोजिशन. ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप हिमाचल प्रदेश जो है वो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है. मान लीजिए 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर 40 जो हैं वो लेट से कांग्रेस के जीत जाते हैं, तो इस टाइम रूलिंग पार्टी जो हो जाएगी स्टेट की वो कांग्रेस हो जाएगी, और बाकी जितने भी जो सिलेक्टेड एमएलएज आए हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो उनकी ऑपोजिशन हो जाएगी, राइट.
ट्रस्ट यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर एरिया की आपका जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है वो पॉलिटिकल लेवल पे वो अपने एमएलए के साथ है, आपके जो ग्रीव्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए एमएलएज हैं, बिकॉज जो पीएम है या प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत उस लेवल तक चले जाते हैं जहां लोगों की पहुंच नहीं होती. दैट इज वाई द थ्री लेवल गवर्नमेंट इज देयर, ताकि एक आपके लोकल लेवल पे आपके पास गवर्नमेंट हो जिससे आप इंटरेक्ट कर सकें और जिसके थ्रू आप जो है अपने जो डे टू डे लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वो उनको उनकी टेक केयर कर सकें. तो जस्ट टू मेक द वर्किंग ऑफ दीज थिंग्स इफेक्टिव this is into this thing is there in the system. Okay. अब देखिए नेक्स्ट पेज को आपको रिजल्ट दे रखे हैं. ये भी हिमाचल प्रदेश की जो हम 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे थे उसमें से आपको एग्जाम्पल दे रखा है एंड दिस इज एग्जाम्पल टेकन फ्रॉम 2003. पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं और नंबर ऑफ एमएलएस का कौन सी पार्टी के कितने इलेक्ट हुए वो दिखाए गए हैं. जैसे नेशनल इंडियन नेशनल कांग्रेस INC के 43 एमएलएस जो है वो इलेक्ट होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के 16, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के 03. इंडिपेंडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो पार्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली खड़े हुए हैं, मतलब बिना किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड के वो लोग जो है उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है और ऐसे ही 6 जो है कैंडिडेट जो है चूज किए गए. तो टोटल 68 थे. अब इस फिगर से हमें पता लग रहा है कि कांग्रेस इज इन द विनिंग पोजीशन. लेट्स रीड द पैराग्राफ नेक्स्ट टू दिस डायलॉग बॉक्स. दैट इज कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वन द 2003 असेंबली इलेक्शंस एंड बिकेम एमएलएस. सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलएस इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68, अ पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव नीडेड टू हैव more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Indian National Congress was 43 MLAs had the majority and it became the ruling party. Jitne bhi dusre MLAs hain wo opposition ke lenge. In this case Bharatiya Janata Party was the major opposition party. Major opposition party matlab aisi party jiske ki bahut zyada matlab जो विनिंग पार्टी है उसके बाद उसी के MLAs जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर. After the election, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. अब पार्टी कौन सी जीती है? कांग्रेस. तो कांग्रेस के जो 43 मेंबर्स हैं इसमें से वो अपना एक जो है चीफ मिनिस्टर जो है जीतेंगे. इस केस के अंदर कांग्रेस पार्टी के MLA ने चूज किए थे श्री वीरभद्र सिंह अपना लीडर और वो ही चीफ मिनिस्टर बने थे. अब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वो क्या करेंगे, वो अपने ही लोगों में से अपने ही पार्टी के जो MLA जीते हैं उनको वो अलग अलग मिनिस्ट्रीज देंगे वर्क करने के लिए. आफ्टर द इलेक्शन इट इज द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड द अदर मिनिस्टर. दिस पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज हेयर वी हैव डिस्कस अबाउट द सिलेक्शन ऑफ द CM एंड अदर मेंबर्स. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट लास्ट लाइन इज इंपॉर्टेंट, दैट हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट. नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है फ्रॉम विच पार्टी वी गेट द CM ऑफ अ स्टेट. फ्रॉम द विनिंग पार्टी और द रूलिंग पार्टी वी गेट द CM, वहां से ही चूज किए जाते हैं. ठीक है. और फिर हु चूज द मेंबर मिनिस्टर्स फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया. द CM ऑफ द स्टेट चूजेस द MLAs from his party. अपनी पार्टी के MLAs जो है उसमें से वो अपने वेरियस मिनिस्टर्स को चूज करेगा. सो दिस पर्टिकुलर पैरा इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज मार्क दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. Going ahead, the chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. अब इनकी working पे आ गए हैं हम कि जो chief minister है और जो उनके other ministers हैं ये उनकी responsibility होती है कि वो various government departments को और ministries को जो है वो उसमें वर्क करेंगे. दे हैव सेपरेट ऑफिसेस. अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम द रूलिंग पार्टी और फ्रॉम द अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स. हेंस सम MLAs हैव ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वन एज द MLA एंड अदर एज द मिनिस्टर. यू विल रीड अबाउट दिस फर्दर. देखिए
अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पर जितने भी, देखिए एग्जाम्पल एचपी का लेके चलिए, 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी से 68 एमएलएज उनके पास आ गए, लेकिन वो सारे एमएलएज मिनिस्टर नहीं है। मिनिस्टर और जितने भी हैं, चीफ मिनिस्टर और उसके बाकी जो मिनिस्टर है, वो इन्हीं 68 में से कुछ हैं। और जो चीफ मिनिस्टर चूज किया गया या जो मिनिस्टर चूज किए गए, उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अपने एरिया के एमएलए भी है प्लस स्टेट के लिए मिनिस्टर का वर्क भी है, तो उनकी डबल अप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। जितने भी एमएलएज हैं वो सब लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठेंगे, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, और वो ही लोग आपस में वर्क करेंगे। हाँ, पार जो है वो रूलिंग पार्टी के लिए, जो डिसीजन लेगा, जो इम्प्लीमेंट करेगा उन डिसीजन को, वो आपका रूलिंग पार्टी ही करेगा। बट येस, टू चेक दे आर वर्किंग, टू क्वेश्चन देम, द अदर एमएलएज आर ऑल्सो देयर, बिकॉज अपने एरिया से तो वो ही जीते हैं। लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आंसरेबिलिटी जो है उनकी, वो अपने एरिया के लोगों के लिए, तो वो बैठेंगे और वो बिल्कुल जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑन द नेक्स्ट पार्ट, यू विल अंडरस्टैंड द हाउ द लेजिस्लेटिव असेंबली वर्क्स। एक डिबेट चल रही है लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, आफरीन सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल टू द विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। द चिल्ड्रन वर एक्साइटेड, आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर, देयर वॉज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो, देयर वर रोज एंड रोज ऑफ टेक्स। तो एक बच्चों का इसके अंदर एग्जाम्पल दिया गया जो अपनी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को देखने के लिए जाते हैं। दिस असेंबली वॉज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन द करंट प्रॉब्लम। इस चैप्टर में करंट प्रॉब्लम क्या थी? करंट प्रॉब्लम वॉटर और वॉटर बॉर्न डिसीजेज, द सप्लाई ऑफ द वॉटर एंड द डिसीजेज विच आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड वॉटर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो उसी पे डिस्कशन होनी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएज कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज टू द क्वेश्चंस एंड ट्राइज टू अश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप्स आर बीइंग टेकन। तो पूरा हेल्दी डिस्कशन होना है वहां पर, आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, आपको सजेशन दी जाएगी अपोजिशन पार्टी से। बीइंग द पार्ट ऑफ द रूलिंग पार्टी, आपका पूरा कर्तव्य है कि आप उन चीजों को एड्रेस करो, उनको जस्टिफाई करो, जो सजेशंस आई हैं उनको पॉजिटिवली लो, उनको इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि प्रॉब्लम तो हो रही है, यानी कि देयर इज सम ड्रॉबैक इन द वर्किंग, सो दैट हैज टू बी रेक्टिफाइड एंड ऑल द गुड सजेशन शुड बी कंसिडर्ड एंड इम्प्लाइड ऑल्सो। सो यहां पर यही चीज जो है वो डिस्कस की जा रही है। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। वी यूजली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल्स और इन द पेपर्स। हाउएवर, व्हाटएवर डिस्कशन आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसा नहीं है कि जो बाकी अपोजिशन बैठी है उसका कोई रोल नहीं है, उसको भी कंसिडर किया जाएगा जब भी डिसीजन लिए जाएंगे। इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर्स कैन क्वेश्चन, डिबेट एन इम्पॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड एक्सेट्रा, दे हैव द मेन अथॉरिटी। अब यहाँ पर हम देखते हैं एमएलएज, ये डिफरेंट 6 एमएलएज की बात हो रही है और ये किस तरह से इशू को जो है लेने की कोशिश कर रहे हैं। इन एन कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ अखंडगोन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 weeks देयर वॉज 15 डेथ्स बिकॉज ऑफ डायरिया। मतलब 15 लोग मर गए। दिस इज अलार्मिंग। आई थिंक इट इज अ शेम दैट दिस गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू चेक द सिचुएशन ऑफ अ सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया वाइल प्रोक्लेमिंग इटसेल्फ टू बी अ चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी। आई वुड कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ टू टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन। आपको क्या जज हो रहा है, ये एमएलए कौन सी पार्टी का होगा, रूलिंग पार्टी का होगा या कि ये अपोजिशन पार्टी का होगा या रूलिंग पार्टी का होगा? ये क्या बोल रहा है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो अखंड गांव है उसमें 3 वीक के अंदर 15 डेथ हो गई, आपको आपकी अटेंशन जो चार्ज ऑफ मिनिस्टर है उनको इमीडिएट एक्शन। तो ऑब्वियसली शो हो रहा है कि वो रूलिंग पार्टी का नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी का है। सेकेंड कहता है, My question is why are government hospital in such a bad situation? Why is government not appointing proper doctors and other medical staff in the district? देखो, role of government भी आ रहा है ना यहाँ पर।
अपॉइंट करना प्रॉपर डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को, ये भी वर्क ऑफ गवर्नमेंट है, रोल ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था. आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो हाउ द गवर्नमेंट प्लान्स टू डील विद दिस सिचुएशन विच इज अफेक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एंड इज ऑल्सो स्प्रेडिंग. दिस इज एन एपिडेमिक. तो ये भी रूलिंग पार्टी का नहीं है. एमएलए 3 कहता है माई कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ तौलपट्टी 2 हैज अ सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर. वुमेन ट्रेवल अप टू 3-4 किलोमीटर टू करेक्ट वाटर. कैन यू इमेजिन, टैप खोलते हम लोग और घर में पानी आ जाता है. अगर 3-4 किलोमीटर चल के मटके उठा के पानी लेके आने वाले लोगों की जिंदगी जीनी पड़े तो मिजरेबल है. ठीक है, तो वो यही पूछ रहा है कि ऐसे क्यों होता है, टैंकर की सप्लाई क्यों नहीं आती है. 4 कहता है आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जैगरेटिंग द प्रॉब्लम. द गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप टू कंट्रोल द सिचुएशन. वाटर टैंकर्स हैव बीन पुट इन टू सर्विस. ORS पैकेट्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. द गवर्नमेंट इज डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प द पीपल. ये एमएलए नंबर 4 आपको किसका लग रहा है? ही इज लाइक प्रोटेक्टिंग द रूलिंग गवर्नमेंट. इट मीन्स ही इज फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. वो दिखा रहा है, वो अच्छाइयां दिखा रहा है. जो अपोजिशन वाले हैं वो कमियां गिनवा रहे हैं और वो अच्छाइयां दिखा रहा है. नंबर 5 कहता है वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज इन आवर हॉस्पिटल. देयर आर हॉस्पिटल दैट हैव नो डॉक्टर, डू नॉट हैव अ डॉक्टर एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. इन अदर हॉस्पिटल द डॉक्टर हैज गॉन ऑन अ लॉन्ग लीव. दिस इज शेम. आई थिंक द सिचुएशन इज गोइंग बैड टू वर्स. हाउ आर वी गोइंग टू एंश्योर दैट ORS पैकेट्स रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरिया. ठीक है, अब ये भी ऑपोजिशन पार्टी का. नेक्स्ट बोलता है द ऑपोजिशन मेंबर्स आर अननेसेसरली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट. द प्रीवियस गवर्नमेंट डिडंट पे एनी अटेंशन टू द सैनिटेशन. वी हैव नॉट टेकन अप अ ड्राइव टू क्लीन द गार्बेज एंड दैट हैज बीन लेइंग अराउंड फॉर इयर्स. अब नंबर 6 भी रूलिंग पार्टी का बोल रहा है पीछे से ही हमें इतनी कंडीशन वर्स मिली थी. आप लोगों ने पहले कुछ किया नहीं था, अब हमें क्वेश्चनिंग कर रहे हो. तो हम तो वर्क कर रहे हैं लेकिन इट विल टेक टाइम. सो आप क्या देख रहे हो, इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रेड अबाउट अ डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. वो क्या दिखा रहे हैं कि आपने ये काम किया है या आपने ये काम जो है नहीं किया है. द मेंबर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट. दिस इज बिकॉज ऑफ द MLAs आर टूगेदर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट. इन कॉमन यूजेस, प्लीज मार्क दिस पर्सन, द वर्क Government refers to government department and various ministers who head them. The overall head is the chief minister. More correctly, this is called the executive part of the government. All the members who gather together in the legislative assembly are called legislature. They are the ones who authorize and supervise their work. As we saw in the earlier section, it is from among them that the head of the executive or the chief minister is formed. So, यहाँ पर हमने एक example के साथ एक स्टेट के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही थी उनको भी पढ़ा और हमने लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर होने वाली एक डिबेट को भी देखा उस प्रॉब्लम से कि कैसे होगा. हमने ये भी इस पोर्शन में ये भी कवर किया हाउ द CM इज इलेक्टेड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूलिंग पार्टी, व्हाट इज ऑपोजिशन पार्टी एंड व्हाट आर द डिफरेंट, हाउ द MLAs आर इलेक्टेड फ्रॉम द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर सपोज टू कवर इन टूडेज लेक्चर. डू रीड द पोर्शन फ्रॉम द बुक. वट एवर योर डाउट्स आर वी विल बी discussing in the upcoming doubt class. Right, that's all for this video. We will be continuing this chapter in the next video. Bye for now.